नमस्कार मित्र बंधुओं कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और मज़े में होंगे मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए बेहद आवश्यक होने वाला है हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपने सपने में एक्सीडेंट होते हुए देखा है सपने में आप दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं या आपके सामने में कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो चुका है तो इसका मतलब क्या होता है इस सपने से क्या कोई फ़ायदा होने वाला है या आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए परंतु उससे पहले क्या करना है आपको वीडियो को लाइक कर देना है एस्ट्रो फॉर यू को सब्सक्राइब कर देना है और उसके बाद वीडियो को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं मित्रों नींद में सब लोग स्वप्न देखते हैं सभी लोग सपने में कभी अच्छा तो कभी बुरा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं परंतु सपना जो होता है वो आपके आने वाले दिनों को भी आपको थोड़ा बहुत दिखाता है यानी आने वाले दिनों की झलकियाँ आपको स्वप्न के माध्यम से देखने को मिलती है कभी कोई स्वप्न अच्छा होता है तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं परंतु कभी कभी स्वप्न बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और उस स्वप्न से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोगों को तनाव का सामना बहुत ज़्यादा करना होता है और हर एक स्वप्न का अलग अलग मतलब होता है तो आज का जो आपका स्वप्न है वो है कि अगर सपने में आप दुर्घटना का शिकार हुए हैं तो क्या यह कोई अच्छा फल देने वाला है या कोई बुरा परिणाम देने वाला है तो आपको चिंता करना पड़ेगा क्योंकि सपने का जो फल है वो अच्छा नहीं माना गया है अगर आपने सपने में दुर्घटना होते हुए देखा है या खुद ही आप दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं आप कार से ट्रक से बस से साइकिल से या बाइक से किसी भी गाड़ी से या पैदल ही दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं तो आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही आपके जीवन में कोई बड़ी तबाही मचने वाली है कुछ दिनों के भीतर ही आपके घर परिवार में कोई बड़ी परेशानी होने वाली है या तो आपके घर में कोई लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने वाले हैं या आपके घर में कोई व्यक्ति तुल्य कष्ट का सामना करने वाला है या इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपकी नौकरी आपके हाथ से जा सकती है या आपके बॉस के द्वारा सीनियर के द्वारा या जो लोग आपसे बड़े हों आपके कामकाज में उनके द्वारा आपको परेशान बहुत ज़्यादा किया जाएगा अगर आपका कोई व्यापार है आप खुद का कोई कारोबार करते हैं तो कामकाज के क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपका कामकाज बंद हो सकता है या आपके कामकाज में आपको नुकसान का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा जो कि आपके सोच से कहीं ज़्यादा होने वाला है या फिर आपके घर परिवार में कोई बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है आपके घर की शांति भंग होने वाली है आपके घर के लोग आपस में टकरा जाने वाले हैं परंतु आपको चिंता नहीं करना है अगर आपने सपने में ये सब देखा है तो इसको शांत करने का या कम करने का एक उपाय है उस उपाय को आपको आजमाना चाहिए उस दिन से ही आपको हनुमान जी की पूजा शुरू कर देनी है और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना पड़ेगा अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में जो परेशानी आने वाली है जो समस्या आने वाली है उसका अंत हो जाएगा या वो परेशानी कम हो जाएगा दर्शकों अगर आपके मन में कोई सवाल हो कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी सहायता अवश्य की जाएगी वैसे मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एस्ट्रो फॉर यू को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्री राधे